नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशल वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले एसबीए क्लर्क प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और जिनको इन तीन बातों पे खास ध्यान देना पड़ेगा अगर आने वाले एग्जाम में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले हमारे स्पॉन्सर के बारे में दो बातें। ऑली बोर्ड आप लोगों के लिए एसबीए क्लर्क प्री और एसबीए पीओ प्री दोनों का फ्री मॉक लेकर आया है और उन दोनों फ्री मॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो मैं जानता हूं सभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी एसबीए क्लर्क प्रीलिम्स के लिए भी अपीयर होंगे, एसबीए पीओ प्रीलिम्स के लिए भी अपीयर होंगे, दोनों एग्जाम्स के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इन दोनों लिंक्स पे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उन पे क्लिक करके इनके फ्री मॉक को जरूर जरूर अटेम्प्ट करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। इसके अलावा भी और बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो ऑली बोर्ड आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता है फॉर योर प्रिपरेशन, उसको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग द बिलो गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तीन बातें जिन पे खास ध्यान हमें देना पड़ेगा अगर एसबीए क्लर्क प्रीलिम्स को लेके हम सीरियस। सबसे पहली बात अपने करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं वो पहला पॉइंट आपका है रिगार्डिंग मॉक्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये जो मॉक्स है ना ये आपको कई चीजों का सोल्यूशन देने वाला है, कई जो आपकी कमियां है ना उनको पूरा करने वाला है। कैसे, अच्छे से ध्यान से सभी के सभी सुनिएगा। मॉक्स सबसे पहली बात ये आती है कि सर मॉक्स कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सजेस्ट कर रखा है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन डेली एक से दो मॉक्स आपको जरूर जरूर देने हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब मॉक्स देने के बाद उसी दिन आपको क्या करना है, इसका बढ़िया तरीके से एनालिसिस भी जरूर जरूर आपको करना है। और एनालिसिस में ये नहीं है कि सर एक दो सेट जो बच गए थे वो सॉल्व कर लिए, वो एनालिसिस नहीं होता। ये देखना कि भैया कि कहाँ कहाँ पर जब हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कहाँ कहाँ पर हमसे गलतियां हुई, वो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और जैसे एक बार मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई आपने कर लिया है तो नेक्स्ट मॉक से पहले आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस भी करते हो या जो आप क्लासेस अटेंड करते हो उसमें उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना, उनको सही करना, जिससे आने वाले मॉक्स में वो गलतियां ज्यादा ना हो, कम हो और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे लेट से मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, आपको पता चल रहा है कि यार ब्लड रिलेशन के जो सेट्स हैं उनमें मेरे से प्रॉब्लम हो रही है। तो अगले मॉक में आपको क्या करना है, वो ब्लड रिलेशन का सेट थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ एक और चीज करनी है कि इन बिटवीन अपने फैमिली ट्री या ब्लड रिलेशन वाले जो सेट्स है ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि धीरे धीरे करके, क्योंकि कोई भी गलती होती है या कंसेप्ट वाइज कोई गड़बड़ होती है ना उसको सही होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इन द मीन टाइम जो मॉक्स दो, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यार इस सेक्शन में मैं वीक करूं तो उसको बार बार पहले मत उठाओ ना, उसको बाद में उठाओ। तो इस तरह की आप गलतियां पहचान सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर और इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है। दूसरा हम सीखते हैं कि यार टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर या जो आपका टाइम का जो इशू रहता है उससे कैसे डील करें, है ना। क्योंकि ये एक बड़ा इशू रहता है कि सर अगर हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर ना हो तो हमसे सारे सवाल प्री के बन जाते हैं, और वो भी एसबीए क्लर्क प्री की बात करें तो बहुत आसान रहता है। बट आजकल की कट ऑफ को देखते हुए थोड़े अटेम्प्ट से काम नहीं चलेगा सर, काफी सारा अटेम्प्ट करना पड़ता है तीनों ही सब्जेक्ट्स में, तब जाके सिलेक्शन मिलता है। तो मॉक्स आपको क्या सिखाता है कि टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर कैसे हम उसको हैंडल करें, उसमें क्या क्या हमसे गड़बड़ होती है, उन गड़बड़ को उन मिस्टेक्स को हम पहचानते हैं और अच्छा कर पाते हैं। एक बात और मैं कहूंगा, जो बच्चों को ज्यादा समय नहीं हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है मॉक्स देते हुए, उनको इनिशियली प्रॉब्लम आएगी आएगी टाइम इशू के कारण कि सर हमने तो पहले कभी मॉक्स दिए ही नहीं, टाइमर के साथ प्रैक्टिस की नहीं, तो इनिशियली इशू आएगा ही आएगा, बहुत कम कम नंबर आएंगे। बट इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे 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 करके आप लोगों का ये स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो डिमोटिवेट मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि सर हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे तो हम मॉक्स देके क्या करें। नहीं नहीं आपको मॉक्स देने हैं, कम फ्रीक्वेंसी के साथ देने हैं, बट वो मॉक्स देते रहना है जिससे कि आप यूज टू हो पाए कि यार ये 20 मिनट का जो टाइम है ना उसके अंदर कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और टाइम कंस्ट्रेंट के साथ ही आप ये भी सीखते हैं कि भैया जो एग्जाम का प्रेशर, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम का प्रेशर कहाँ फील हो सकता है, सर आपके मॉक्स में ही हो सकता है। एग्जैक्ट वैसा तो नहीं होता क्योंकि मॉक्स के उतने कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते कि भाई एक मॉक सही नहीं हुआ तो दूसरा मॉक दे देंगे,
बट कोई एग्जाम स्पेसिफिक आप दे रहे हो तो उसमें दूसरा मौका नहीं मिलता है, तो एग्जैक्ट तो नहीं मिलता बट उसके काफी क्लोज आप फील कर पाते हो कि एग्जाम प्रेशर में मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ या फिर क्या क्या मेरे से गलतियां होती है, तो गलतियों को पहचान के उन पे काम करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो मेरा मॉक्स का था। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं कि नेक्स्ट अपने क्या कर सकते हैं। एक मिनट के लिए रुकिएगा। दूसरा जो पॉइंट मैं आप लोगों के लिए मेंशन करना चाहता हूं वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी का, क्योंकि क्लर्क प्रिलिम्स में क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों की जरूरत है बट दोनों एक साथ आती नहीं है सर, क्या करें, है ना। स्पीड एक्यूरेसी चाहिए हमें पता है सर, पर दोनों एक साथ नहीं आती। स्पीड की जब कोशिश करते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, एक्यूरेसी की जब कोशिश करते हैं तो स्पीड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। तो इन दोनों को साथ में कैसे अचीव किया जाए और किसे पहले किसे बाद में अचीव किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक ऑर्डर देता हूं। जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले आपको क्या कोशिश करनी है, सबसे पहले आपको एक्यूरेसी की कोशिश करनी है। जब एक्यूरेटली सवाल सारे बनाने लग जाओ ना, उसके बाद आपका अटेम्प्ट रहता है स्पीड का। ये भी मस्त है, ये भी बहुत जरूरी है, बट एक्यूरेसी के बिना की स्पीड का कोई यूज नहीं है। तो पहले एक्यूरेसी के लिए अपने को कोशिश करनी है, जब एक्यूरेटली सब बन जाए तब आप स्पीड के लिए जाओगे। और स्पीड कैसे बनती है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। कैसे सर? सिर्फ मॉक्स ही नहीं, टाइमर बेस्ड आप प्रैक्टिस कीजिए। टाइमर बेस्ड आप क्या कीजिए, टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस कीजिए टाइम के साथ। सिर्फ मॉक्स ही नहीं, खुद से भी क्लासेस में भी वही क्लासेस लगाई हैं जिससे टाइमर बेस्ड आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, या बाद में आप देख रहे हैं तो टाइमर के साथ पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जैसे कि रीजनिंग का मैं एग्जांपल लूं तो मेरा सजेशन बच्चों के लिए रहता है कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट की खूब प्रैक्टिस किया करो यार। पजल सिटिंग अरेंजमेंट की खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि इसमें एक बार आपने स्पीड और एक्यूरेसी अचीव कर ली ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने से। उसी तरीके से आपके क्वांट्स और इंग्लिश के भी पर्टिकुलर टॉपिक्स रहेंगे। तो रीजनिंग में जो टॉपिक रहता है वो पजल सेटिंग है। अब सवाल आता है सर कितने पजल सेटिंग अरेंजमेंट करें, जैसे लेट्स से कि आपने एक मॉक निकाला तो उसमें चार पांच तो वैसे हो जाएंगे, उसके अलावा उस चार पांच के अलावा भी एटलीस्ट 10-11 सेट्स आपको और निकालने पड़ेंगे पजल सेटिंग अरेंजमेंट के अलोंग विद द एक मॉक जो आप दे रहे हो। और जितनी भी आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो सब टाइमर बेस्ड रहेगी, स्पीड की कोशिश के साथ रहेगी। और ये याद रखना, कोई भी चीज को सुधारने में एक दिन एक हफ्ता नहीं लगता, आपके कई हफ्तों की कई महीनों की जब आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आती है ना तब जाके आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। तो वो पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है, वो धैर्य बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि सर हमें तो फायदा ही नहीं हो रहा, हमारी तो स्पीड ही नहीं बढ़ रही, हमसे तो टाइम में सॉल्व ही नहीं हो रहा, हमारा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही नहीं बढ़ रहा। थोड़ा टाइम देना पड़ता है प्रोसेस को, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलने लगता है। और एक बार आपको वो रिजल्ट मिलने लग जाएगा ना, तो फिर वो जाएगा नहीं, फिर वो आपके सिस्टम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए सारी चीजें बड़ी नेचुरल हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट रहता है स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक बार पहले अचीव करने की कोशिश करनी है, देन आप स्पीड पे आओगे, और एक बार स्पीड पे आ गए तो सारी प्रैक्टिस टाइमर बेस्ड रहेगी। रीजनिंग के लिए पजल सेटिंग अरेंजमेंट, एटलीस्ट एक मॉक लगा रहे हो उसके साथ साथ 10 सेट्स तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट के जरूर रहने चाहिए। ठीक है जी, अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो ये पॉइंट क्लर्क प्रीलिम्स में उतना मैटर नहीं करता बट स्टिल मैं आप लोगों से कहूंगा, ये एग्जाम बेस्ड पॉइंट है जो है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है और स्किप करने की आर्ट को, स्किप करने के साइंस को कैसे अपने को परफेक्ट करना है। देखिए आपके पास, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रीजनिंग मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो रीजनिंग का ये एग्जांपल लेते हैं सर, 35 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ऑल्दो 35 के 35 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि ज्यादातर बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट करें तो 20 मिनट में एक आध क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है। ठीक है, बट इसमें भी एक ऑर्डर रहता है अटेम्प्ट करने का। जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं उनके साथ होता क्या है, उनसे एटलीस्ट एक सेट छूट जाता है, एक सेट उनका कम अटेम्प्ट होता है या फिर टाइम खत्म हो जाता है और वो सेट पूरा नहीं हो पाता या उसके आंसर मार्क नहीं कर पाते, तब जाके उनके अटेम्प्ट थोड़े से कम होते हैं। तो ये एक सेट ना छूटे इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको स्किप करने की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है अपने मॉक्स के अंदर।
कैसे करनी है सर वो, जैसे कि लेट्स से कि आपके पास पूरा पेपर है, आपको एक ऐसा सेट आ रहा है जो आपको परेशान करता है, जैसे एग्जांपल ले लिया कि फ्लैट फ्लोर है, तो फ्लैट फ्लोर का जो आप पजल उठा रहे हैं या अरेंजमेंट उठा रहे हैं उसको पहले ना उठाएं, उसको बिल्कुल एंड के लिए रखें। अब इसको लेके बच्चे परेशान होते हैं कि सर एंड में तो हम और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। भाई ये नर्वसनेस तभी जाएगी जब आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अपने मॉक्स में ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंप्लीमेंट करते जाएंगे ना तो नर्वसनेस कम हो जाएगी, आपको पता चल जाएगी कि सर 20 मिनट के वो आखिरी 3-4 मिनट बस मैं बैठे बैठे नहीं निकालता हूं, मैं लगातार करता रहता हूं, लगातार करता रहता हूं, तो वो नर्वसनेस धीरे धीरे चली जाएगी। अब होता क्या है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट है जो आपको फंसाता है या फिर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन दिख रही है या कुछ नया दिख गया है, उसको अगर आपने पहले अटेम्प्ट किया और उसमें टाइम बहुत ज्यादा ले लिया तो उससे क्या होगा, एक तो प्रेशर आ जाएगा कि यार मैंने तो टाइम बहुत ले लिया, सवाल अभी भी मेरे बच्चे हैं, और जो डुएबल वाले सवाल थे ना वो भी करने में तकलीफ होने लग जाएगी, जिसके कारण आपका वो सेट स्किप होता है। अब इसके बजाय अगर आप एक मुश्किल आखिरी में छोड़ देते हैं, बाकी आपने 29-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है यार एवरेज तो एटलीस्ट चला ही जाएगा ना, बहुत बढ़िया भी ना हो तो वो फिर वो प्रेशर नहीं रहता। और वो प्रेशर तभी जाएगा जब ये स्ट्रैटेजी आप मॉक्स में बार बार अटेम्प्ट करेंगे और वो स्ट्रैटेजी है स्किप करने की, क्योंकि क्लर्क प्रीलिम्स में एक आध सेट का ही फर्क रहता है, चाहे वो क्वांट्स में हो चाहे वो रीजनिंग में हो, कि यार एक सेट और एक्स्ट्रा हो सकता था, तो वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप स्किप करना नहीं जानते हैं। और ऑल्दो प्रीलिम्स का पेपर बड़ा छोटा होता है पर उसमें भी ये स्ट्रैटेजी आपकी काम आ सकती है। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट मेरे तरफ से थे, आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे लगाओगे, क्योंकि अभी भी समय है हमारे प्रीलिम्स में, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर इतना समय है कि इसको इंप्लीमेंट करके हम अच्छा कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा कर सकते हैं, आगे एसबीआई पीओ प्री में भी डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, मैं नया कोर्स मीन्स का लेकर आ चुका हूँ, परचेज के लिए अवेलेबल है। करना क्या है अच्छे से सुन लीजिएगा, कोर्स ऑलरेडी आप लोगों के सामने है। ठीक है जी, कोर्स ऑलरेडी आप लोगों के सामने है, मीन्स मिनी मॉक का ये कोर्स आने वाला है। ठीक है, 5 नवंबर से ये स्टार्ट होगा, 5 नवंबर से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है, मीन्स मिनी मॉक से रीजनिंग के लिए। काफी बच्चे कह रहे थे सर क्वांट्स भी इसमें ऐड होगा क्या, नहीं ये क्वांट्स नहीं है, रीजनिंग स्पेसिफिक है। इसकी जो प्राइसिंग है वो 350 रुपए, 350 रुपए का ये आपको कोर्स पूरा पढ़ने वाला है। 5 नवंबर को ये स्टार्ट होगा, ये लाइव रिकॉर्डेड दोनों में अवेलेबल होगा। 5 नवंबर से 28 नवंबर तक ये कोर्स चलेगा, मंडे टू सैटरडे डेली 11 बजे सुबह इसकी क्लास होगी। ठीक है जी, जो अपना यूजुअल पेड वाला टाइम रहता है, और इसमें अपने टोटल 20 मिनी मॉक्स करने वाले हैं, और हर मिनी मॉक में आपको 4-5 मिसेलिनियस और 2 हाई लेवल पजल सेटिंग अरेंजमेंट के सेट्स देखने को मिलेगा। तो इतना प्रैक्टिस आपको मिलेगा जितना आपको पेपर में करने की जरूरत है, पेपर में इतना ही करने की जरूरत पड़ती है कि 2 पजल बना लिए, 4-5 आपने मिसेलिनियस सेट बना लिए, तो बहुत बेहतरीन एकदम बेस्ट से बेस्ट सेक्शन निकल जाता है रीजनिंग का मेंस में। ये तो बहुत बढ़िया है, इससे थोड़ा कम करोगे तो भी बहुत अच्छा है, पर अपना टारगेट इतने का है, तो इतने क्वेश्चंस मैं आपको हर सेशन में कराऊंगा और इतनी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे कि मजा आ जाएगा, कि आप ये 350 का जो इन्वेस्टमेंट है ना रिग्रेट नहीं करोगे, आप बोलोगे कि सर पेपर में मजा आ गया, पेपर में बहुत फायदा हुआ। तो ये 350 रुपए का पूरा पड़ेगा। अभी आज और कल के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोड भी रखा है VT20 के नाम से, जिसपे सीधा सीधा आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। 20% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, याद रखिएगा लिमिटेड टाइम के लिए ये डिस्काउंट कोड। कोई सोच रहा है कि सर 5 नवंबर से स्टार्ट होगा तो 4 नवंबर को खरीदेंगे ना, बिल्कुल खरीद सकते हो, 5 नवंबर को भी खरीद सकते हो, पर फिर ये कोड नहीं रहेगा, फिर पूरे 350 रुपए देने पड़ेंगे। अभी ये VT कोड लगा लोगे VT20 का तो 20% आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा, 280 रुपए का, 280 रुपीज का आपका पड़ेगा। तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है ऐप और वेबसाइट दोनों का। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।